सभी बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इजी लाइफ टिप्स पे स्नेह तिलक में आपका हार्दिक स्वागत है। पार्ट वन में आपने देखे हरी मिर्च इस्तेमाल करने के 3 तरीके। अब पार्ट टू में देखिए हरी मिर्च प्रिजर्व करने के 3 तरीके। मैंने 100 ग्राम मिर्चें ली हैं और मैं इसे धोकर सुखाकर साफ करके धूप में रख दूंगी, या हम इसको हवा में भी रख सकते हैं और इसे अच्छी तरह सुखा लेंगे। 10-15 दिन के बाद ये लाल हो जाएंगी और हम इनसे कुटी मिर्च बना सकते हैं जिसको हम मसालों में प्रयोग करते हैं, और साबुत मिर्च को हम छौंक में भी प्रयोग कर सकते हैं। चार दिन रखने के बाद ये मिर्च लाल होनी शुरू हो गई हैं। जब ये बिल्कुल लाल हो जाएंगी और सूख जाएंगी तो हम इसको कंटेनर में रख सकते हैं। दस दिन बाद मिर्चें और लाल हो चुकी हैं। मिर्च प्रिजर्व करने का एक तरीका ये भी है, इन मिर्च को मैं इस चॉपर में डालकर अच्छी तरह क्रश कर लूंगी और फिर इस प्लेट पर मैंने क्लिंग लगा दी है जिस पर मैं छोटी छोटी गोलियां बनाकर इसको रख दूंगी और फिर फ्रीजर में रखकर इसको जमा लूंगी और प्रिजर्व कर लेंगे, और इसको जब मर्जी चाहे हम जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस मिर्च को चॉपर में डालकर अच्छी तरह क्रश कर लिया है। इसमें मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, मैंने इसमें 100 ग्राम मिर्च में 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डाला है। आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, डालें या ना डालें। इस पेस्ट को मैं इस तरह से छोटी छोटी बॉल्स बनाकर इसमें रख दूंगी और फिर इसको दोबारा इसके ऊपर एक क्लिंग चढ़ाकर फ्रीजर में रख दूंगी। जम जाने के बाद इनको हम एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर कर देंगे और फिर उसको हम जब मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी चीज को हम इस तरह से आइस ट्रे में क्लिंग चढ़ाकर भी रख सकते हैं और उसको निकालकर सेम प्रोसेस में ट्रांसफर कर सकते हैं। मिर्च का पेस्ट मैंने आइस ट्रे और प्लेट में लगा दिया है। अब मैं इसको क्लिंग से ऐसे कवर करके और फिर फ्रीजर में डाल दूंगी। जब ये जम जाएगा तो इसको फिर ट्रांसफर कर लूंगी। चिल्ली क्यूब्स जम चुकी हैं, अब मैं इसका क्लिंग निकाल लूंगी और फिर इनको एक छोटी जार में एयर टाइट में भर दूंगी और इस तरह से इनको सब डालकर स्टोर कर लूंगी और इन्हें फ्रीजर में रखकर जब चाहे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दो सौ ग्राम मिर्च मैंने सुखा लिए हैं, अच्छी तरह पोंछ लिए हैं उनको और उनके डंठल निकाल करके इस तरह से। मैं इन्हें एयर टाइट डिब्बे में या किसी जिप लॉक में पैक कर दूंगी और फ्रिज में रख दूंगी। इसको हम 10-15 दिन तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मिर्चों के डंठल मैंने चूट लिए हैं और इनमें से अगर कोई मॉइस्चर रह गया है तो मैं एक बार टिश्यू से फिर पूछ लूंगी ताकि मॉइस्चर इनको खराब ना करे, और फिर मैं इसे एयर टाइट जार में रख लूंगी। इसे हम जिप लॉक में भी रख सकते हैं और इसे हम फ्रिज में रख देंगे और 10-15 दिन तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी और इसे जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं।